हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक लायन। क्या हुआ, तुम्हें भरोसा नहीं है? यू रेसिस्ट, यू सेक्सिस्ट। तुम्हें लगता है मैं इंसान जैसा दिखता हूँ तो मैं लायन नहीं हो सकता? आई विल सू यू इन सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हें लगता है मैं लायन नहीं हूँ तो प्रूफ करके दिखाओ, तब तो मैं मानू। डोंट वरी गाइस, मैं हूँ तुम सबका लॉयर एडुकेशनल भैया, और आज मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा वाइल्ड एनिमल्स में, वो भी एक पोयम को पढ़कर जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। और हाँ, साथ ही साथ इस चपड़गंजों से भी बचाऊंगा जो तुम्हें कोर्ट में स्यू करने की बात कर रहा था। बड़ा आया मेरे ऑडियंस को स्यू करने वाला। अगर कभी तुम ईस्ट के जंगलों में जाते हो, मतलब अगर तुम्हें ईस्ट के जंगलों में जाने का चांस मिलता है और वहां पर तुमसे पहले तुम्हें ढूंढता हुआ एक लार्ज टाउनी बीच, मतलब एक बड़ा येलो ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन कलर का चार पैरों वाला डेंजरस जंगली जानवर आके खड़ा होता है और वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है और फिर उसके अगले ही पल तुम मरने लगते हो, तो समझ जाना वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है। तुम्हें एशियन लायन पहचानने आ गया, यही था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। अगर तुम जंगल में घूमी घूमी कर रहे हो और यही घूमी घूमी करते हुए तुम्हें एक जानवर दिखता है, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिखता है। नोबल वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही रॉयल हाई क्लास चार पैरों वाला जंगली जानवर, डेंजरस जंगली जानवर, जिसका जो पूरा बॉडी हो ना वो येलो कलर का हो और उस येलो कलर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए हो, और तुमने सिर्फ इतना ही नोटिस किया हो और अगले ही पल वो जो जानवर है वो तुम्हें खा जाए, तो समझ जाना ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि वो एक बंगाल टाइगर है। अब तो तुम्हें बंगाल टाइगर को भी पहचानने आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पे, ठीक है? यहाँ पे फिर से पोएट बोल रहे हैं कि तुम फिर से जंगल में घूम रहे हो और तभी तुम्हें एक बीस्ट, मतलब एक डेंजरस जानवर दिखता है जिसके पूरे बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स से भरे हुए हो, मतलब कि पेपर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स हो, मतलब उसका जो पूरा बॉडी है ना उसमें ब्लैक 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 स्पॉट्स हो, और अगले ही पल वो जो जानवर है वो तुम्हारे ऊपर उछलता है, तो समझ जाना वो जानवर कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। और अगर लियोपार्ड ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर उछल चुका है तो इसके बाद चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे वो लियोपार्ड तुम्हारे ऊपर लिप लिप करेगा, मतलब तुम जब तक चिल्लाते रहोगे तब तक वो लियोपार्ड तुम्हारे ऊपर उछलता रहेगा, और वो तब तक उछलेगा जब तक तुम दर्द से मर नहीं जाते हो। और इसी सिंपल से चीज से समझ जाना कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। सिंपल, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारी जो पोएट है कैरोलिन वेल्स, वो हमारा इतना मजा क्यों ले रही है? अगर हम ऐसे जाते हैं और जानवर को पहचान भी जाते हैं तो उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो पहचान के करेंगे क्या? तो बेसिकली हमारी जो पोएट है कैरोलिन वेल्स, वो इस पोएम को बहुत ही ह्यूमरस वे में एक्सप्रेस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस पोएम को इस वे में लिखा है। ओके, चलो फोर्थ स्टैंजा में बढ़ते हैं। अगर तुम अपने गार्डन, मतलब अपने यार्ड में घूम रहे हो और तभी तुम्हें वहां पे एक क्रिएचर दिखे जो तुम्हें देखते ही आके जोर की झप्पी दे दे, तो समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बियर है। और अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो कि वो बियर है कि नहीं, तो तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें आके और भी सॉफ्ट टचेस करेगा, मतलब तुम्हें और भी झप्पिया और भी हग करेगा, और शायद तब तक करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अब तो तुम बियर को भी पहचान लोगे। चलो अब हम स्टैंजा 5 में बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें दो जानवरों में, दो एनिमल में डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा, और दोनों ही एनिमल बीस्ट ऑफ प्रे है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है कि एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है। एक नोविस, मतलब एक नौसिखिया इंसान, हो सकता है क्रोकोडाइल और हाइना में कंफ्यूज हो जाए, मतलब नॉनप्लस हो जाए। नॉनप्लस हो जाएगा मतलब ही होता है कंफ्यूज हो जाए, ओके? लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हाइना होते हैं ना वो मेरी स्माइल के साथ आते हैं, मतलब उनके फेस में हमेशा एक स्माइल होती है, वो भी बड़ी सी, और वहीं पे जो क्रोकोडाइल होते हैं वो तो हमेशा रोते रहते हैं। तो यही दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे तुम जान पाओगे कि कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे हाइना है और कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे क्रोकोडाइल है। अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं, मतलब स्टैंजा 6 में। तुम्हें पता है एक चमेलियन, कमेलियन या चमेलियन, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी मर्जी, ओके? तो एक जो चमेलियन होता है उसके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक लिजार्ड जैसा दिखता है। और जब भी तुम एक पेड़ के ऊपर देखते हो और वहां पे तुम्हें कुछ भी ना दिखे, मतलब जब तुम एक पेड़ के ऊपर देखो और वहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब नथिंग दिख रहा है, तो समझ जाना वो जो नथिंग है ना वही चमेलियन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चमेलियन होते हैं वो अपना रंग बदल सकते हैं,
तो वो जब पेड़ पे होंगे ना तो वो पेड़ का कलर के हो गए होंगे, जब वो लीव्स के पास होंगे तो वो लीव्स का कलर का हो गए होंगे, और इसलिए जब भी तुम पेड़ के पास देखोगे, जब पेड़ के ऊपर देखोगे तो तुम उन्हें स्पॉट नहीं कर पाओगे, तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे, इवन कि तुम इन्हें देख भी नहीं पाओगे। एंड ऐसे ही तुम पता कर सकते हो कि वो जो वाइल्ड एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि चमेलियन है, और इस तरह से ये जो तुम्हारा पोएम है बहुत ही प्यारा सा मजेदार सा वो खत्म होता है। देखो तुमने नोटिस किया होगा कि मेरे पास हमेशा एक अच्छा सा प्रॉपर सा माइक होता है, लेकिन आज कुछ इशू के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बहुत ही बेसिक सा माइक यूज किया है। थोड़ा सा आवाज मतलब साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिग्रेडेड होगा, तो फिक्र मत करो, मैनेज कर लेना। वीडियो तो डिटेल में ही है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने सही से देने की कोशिश की है एकदम अच्छे से। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे इंस्टाग्राम में तुम लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तुम मेरी असली फोटो देख सकते हो। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें मन तो कर सकते हो और क्या। ठीक है, तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।